तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, कितने क्वेश्चंस दोस्तों यहां से आपसे परीक्षाओं में से पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी दोस्तों आपको किस आधार पर कर लेनी है। तो वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, कितने क्वेश्चंस दोस्तों यहां से आपसे परीक्षाओं में से पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी दोस्तों आपको किस आधार पर कर लेनी है। देखिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ से इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इस प्रकार का होगा जैसा कि आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपके राजनीति के पेपर में कितने क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन को याद कर लेना चाहिए। समाजवादी राज्य क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर है। और उसी के नीचे दोस्तों ये लिखा गया है, संविधान किसे कहते हैं। आप चाहे तो इसको बड़ा वाला कर सकते हो या जो दोस्तों मैंने ये पेन से लिख रखा है आप चाहे इसको याद कर ले। क्या लिखा है ये पढ़ के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नियमों एवं कानूनों के लिखित प्रलेख को संविधान कहते हैं। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, क्रिप्स मिशन क्या है, ये वाला क्वेश्चन। स्वराज दल के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, भारतीय संविधान के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन देख लें आप पूरा का पूरा। और उसी के अलावा दोस्तों आगे देखा जाए तो आगे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जाएंगे वो भी हम देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो यहाँ से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 कार्य, तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो, इधर ही इसके 2 कार्य लिखे गए हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए यहाँ से, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको देख लें, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। तो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार को अच्छे से समझाया गया है, आप लोग यहाँ से इसको पूरा नोट कर लेंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या है, देखिएगा। और इसके समझ लेने के बाद में शिक्षा के मौलिक अधिकार को समझाइए, ये वाला क्वेश्चन। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोग देख लेंगे तो ये क्वेश्चन देख लें। और उसके अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो ये लिखा है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, और इसके अलावा एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या है। और उसी के नीचे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, ये वाला क्वेश्चन याद कर लेंगे आप लोग। और उसी के अलावा दोस्तों आगे अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को याद कर लें, लोकसभा व विधानसभा सदस्य के क्या योग्यताएँ हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे। क्या लिखा दोस्तों, देखिएगा, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य है दोस्तों, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देखेंगे और याद कर लेंगे। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको दोस्तों अभी तक कितने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, और एक ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को क्या स्वीकार की गई। तो देखिएगा यहाँ तक का ये पूरा नोट कर लेंगे आप लोग, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और दोस्तों इसका उत्तर लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। और इसी के अलावा आपका जो अगला पार्ट है यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। तो देखिएगा इतने क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं। चलिए अब आपकी अगली पुस्तक को देखते हैं, आपकी दोस्तों जो दूसरी राजनीति विज्ञान विषय की पुस्तक है इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी किस आधार पर आपको कर लेनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, पहला क्वेश्चन लिखा है, राजनीति क्या है। राजनीति क्या है दोस्तों, क्या है, आप लोग इसको यहाँ से नोट कर लेंगे पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, नेटिजन क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, नेटिजन किसे कहते हैं, और इसको आप लोग यहाँ से अच्छे से नोट कर लें। और उसी के अलावा आगे देखें तो एक क्वेश्चन ये लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक सिद्धांतों की यहाँ से आपकी व्याख्या करनी है, आप लोग यहां से इसको लिख लेंगे। और इसके अलावा अगला जो आपका दिया गया है स्वतंत्रता वाले पार्ट में से, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे वो भी हम देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहां से आप लोग इसको नोट कर लेंगे, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन ये का है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा अगर आगे देखा जाए
तो ये वाला क्वेश्चन मार्क्सवाद क्या है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा याद कर लेंगे दोस्तों, ये परीक्षाओं में आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों आपका जो समानता वाला पार्ट है, कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से भी देख लेने चाहिए, इस पार्ट में से भी काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो समानता वाले पार्ट में से ये वाला क्वेश्चन, एक तो समानता से क्या तात्पर्य है आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है उदारवादी समानता क्या है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप देखें पूरा और नोट कर लेंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है स्वतंत्र प्रेस क्या है, नक्सलवाद क्या है, ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। और उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, आप लोग नोट कर लें इसको, नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कुछ इस प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।